सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो हमारी हीरो कंपनी की सुपर स्प्लेंडर जो बाइक आती है उसके ट्यूबलेस टायर के बारे में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपको ऑफ रोड टायर के बारे में बात करूँगा जो कि कच्ची पक्की सड़कों के लिए और पहाड़ों के लिए स्पेशल टायर होता है। जैसे कि अगर हमारी गाड़ी बरसात के मौसम में या कच्चे पक्के रोडों पर चलती है तो कभी भी स्लिप वगैरह नहीं आती है इस टायर से, तो मैं आपको उस टायर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा टायर है जो हमारी हीरो की सुपर स्प्लेंडर जो बाइक आती है उसके लिए बेहतरीन टायर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए गाइस, ये टायर है जो हमारी हीरो की सुपर स्प्लेंडर जो बाइक आती है उसका रियर टायर होता है, यानी कि पीछे वाला टायर होता है। और मैं आपको इस टायर के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं इसमें देखने के लिए, और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे इस टायर से। तो सभी जानकारी मैं आपको इस टायर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये देखिए गाइस, ये MRF का टायर होता है। अगर इसके मॉडल की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ इसका जो मॉडल होता है। तो ये देखिए गाइस, मो ग्रिप मेट्योर M के नाम से ये टायर आता है गाइस, और ये प्लस करके बनाया है कंपनी ने। और ये ऑफ रोड टायर होता है, यानी कच्चे पक्के रोड के लिए होता है। इसका साइज़ है 80/18, जो कि हमारी हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक आती है उसका टायर का साइज होता है। और ये ट्यूबलेस टायर होता है और ऑन ट्यूब टाइप रिम, यानी कि इसमें ट्यूब भी डलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका मैक्सिमम लोड है 212 kgs और मैक्सिमम गोल्ड प्रेशर है 280 kpa। ट्रेड है इसकी 3-ply nylon और साइड वॉल है इसकी 2-ply nylon। तो गाइस, इसकी जो साइड वॉल होती है स्ट्रॉन्ग होती है, तो बहुत ही बेहतरीन टायर है, आप इस टायर को डलवा सकते हो। अगर इसके पैटर्न की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ इसका जो पैटर्न है। तो ये देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा खूबसूरत पैटर्न है एंड रबड़ क्वालिटी भी इसकी बेस्ट है, और बैटे ग्रिप है एंड ब्रेकिंग भी अच्छी आएगी इस टायर से। एंड गाइस, एक्सीलेंट शोल्डर एंड राउंडेड प्रोफाइल है, और यूनिक ट्रेड पैटर्न है इस टायर का, और बैटर स्टेबिलिटी है इस टायर की, यानी कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी है इस टायर की, और बैटे ग्रिप है एंड ब्रेकिंग भी अच्छी आएगी इस टायर से। एंड गाइस, इसके जो ब्लॉक्स हैं ये देख सकते हो गाइस, ट्रेड पैटर्न है इस टायर का। अगर हमारी गाड़ी बरसात के मौसम में या फिर कच्चे पक्के में या कीचड़ वगैरह में चलती है तो कभी भी इसमें से स्लिप वगैरह बिल्कुल नहीं आती है इस टायर से। एंड गाइस, अगर इसकी गारंटी की बात करें तो इसकी गारंटी 6 ईयर गारंटी होती है मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट की, जैसे कि साइड से क्रैक हो जाता है या बबल कर जाता है तो उसकी गारंटी में आता है ये टायर। एंड गाइस, किलोमीटर सर्विस में भी अच्छा है ये टायर। अगर इसके किलोमीटर सर्विस की बात करें तो ये 40,000 किलोमीटर आपको सर्विस देगा, तो बहुत ही बेस्ट टायर है, आप इस टायर को डलवा सकते हो। अगर आपके पास जो हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक आती है उसके लिए बहुत ही बेस्ट टायर है। माइलेज में भी अच्छा, रबड़ क्वालिटी भी इसकी बेस्ट है, एंड इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है इस टायर का, तो बहुत ही बेस्ट टायर है, आप इस टायर को डलवा सकते हो। लार्ग लैंड एरिया एंड एक्सीलेंट शोल्डर और सुपियर कंपाउंड वाला ये टायर होता है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी है इस टायर की, और परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा इस टायर से, तो बहुत ही बेस्ट टायर है, आप इस टायर को डलवा सकते हो। एंड गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, वीडियो कैसी लगे? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेस्ट है, तो मैं आपको उस टायर की वीडियो बनाकर डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।